Surprising reasons you are gaining weight. तो हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम खाते तो कुछ नहीं पर वेट क्यों बढ़ता जा रहा है हमारा अब कहानी ये है कि अगर हम ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसके बाद भी जब हम वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं और वेट हमें थोड़ा सा हायर लेवल पे दिखता है तो तो नॉर्मल लगता है, बट अगर हम ज्यादा कैलोरीज़ नहीं ले रहे वर्कआउट भी कर रहे हैं हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे आपको बताऊंगी व्हाट आर सरप्राइजिंग रीजंस जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये रीजन था मेरे वेट बढ़ने का सो so, उससे पहले सब्सक्राइब दिस चैनल

ज्यादा कैलोरीज आती है हमारी बॉडी में अब यहाँ ये यह होता है कि अगर लेट नाइट हम उते हैं सो देर आर चेंजेस इन आर हार्मोंस लेवल व्हिच इंक्रीजेस योर हंगर जिसकी वजह से लेट तक उठे रहने की वजह से आपका वेट बढ़ता है सो पहला रीजन हो गया ये सेकंड रीजन हमारा है स्ट्रेस जी हाँ टेंशन से हम दूर नहीं भाग सकते मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को कहती टेंशन लेना आपका काम नहीं है जब आप मेरे साथ हो तो टेंशन लेना मेरा काम है आपका काम नहीं है ये सारी टेंशन आपको नहीं लेनी मैं ये नहीं कहती अपने घर की भी टेंशन मेरे को दे दो उसकी टेंशन खुद अवॉइड करो वो मेरा काम नहीं है बट आपके वेट से रिलेटेड सारा टेंशन लेना इट्स माई जॉब सो हाँ सेकेंड प्रॉब्लम इज योर स्ट्रेस नाउ अब स्ट्रेस होता है तो क्या होता है कोर्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो सिक्रीट होता है जो कि आगे इंक्रीज करता है हमारी एपिटाइट यानी कि हमारी भूख ऐसे में हम क्या करते हैं वी ईट हाई कैलोरीज कंफर्ट फूड इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस तो जायज है हमारा वेट गेन होना सो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड विद योर वेट गेन थर्ड नंबर पे आता है एंटी डिप्रेस जी हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन से डील करने के लिए मेडिसिन लेते हैं और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि एंटी डिप्रेसेंस मेडिसिन भी आपका वेट गेन करती हैं इफ़ यू आर टेकिंग सच एंटी डिप्रेसन मेडिसिन तो आप खुद कभी भी इसको बंद मत करो टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट एंड टेल योर डॉक्टर कि इससे मेरा वेट बढ़ रहा है ही मे चेंज दैट मेडिसिन एंड रियलाइज वन थिंग सी वेट गेन आपका तब होता है जब आप एक ड्रग ट्रीटमेंट लेते हो आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी डिप्रेस आप एंटी डिप्रेस मेडिसिन ले रहे हो ड्रग ट्रीटमेंट पे हो यू फील बेटर और आपको भूख लगती है तब भी आपका वेट गेन एसोसिएट है सो इट्स योर जॉब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो वेट गेन हो रहा है वो मेडिसिन की वजह से हो रहा है या जब मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं ज्यादा खा रही हूँ उसकी वजह से हो रहा है फोर्थ रीजन इज स्टेरॉइड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें होता है स्टेरॉइड्स दैट आल्सो लीड्स टू वेट गेन

डॉक्टर या डॉक्टर और स्टेरॉइड बंद करने का एक तरीका होता है इसको धीरे धीरे कम करते हैं जितना ले रहे हैं एक एक स्टेप करके नीचे आते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे छलांग नहीं मारते स्टेयर से नीचे जाते हैं फिफ्थ नंबर पे आता है हाइपोथायरॉयडिज्म यस ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे थायरॉयड इज नॉट मेकिंग इनफ थायरॉयड हार्मोन्स So, क्या होता है यू आर प्रोबेबली फील टायर्ड वीक कोल्ड और ऐसे में वेट गेन भी होता है So without enough thyroid hormone, your metabolism slows down, which leads to weight gain. वेट गेन तो एक और चीज अब ऐसे में क्या होता है आपको जब डायग्नोस हो जाता है दैट यू आर हैविंग थायराइड टॉक टू योर डॉक्टर स्टार्ट योर मेडिसिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ मेडिसिन लेने के बाद भी आपका वेट गेन रिवर्स हो जाता है बिकॉज योर आर योर थायराइड ग्लैंड इज नाउ प्रोड्यूसिंग थायराइड हार्मोन्स तो थायराइड हार्मोन्स ईजली प्रोड्यूस हो रहे हैं

बॉडी हेयर ज्यादा बढ़ जाते हैं एक्ने बढ़ जाता है और अगेन इनके लिए भी वट यू हैव टू डू इज दिस कंट्रोल योर डाइट टॉक टू योर डॉक्टर वो आपको मेडिसिन देते हैं जिससे आपका वेट नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है सेवेंथ रीजन इज मीनोपॉज मीनोपॉज कंडीशन में लेस इस्ट्रोजन एंड हॉट फ्लैश एंड स्लीप प्रॉब्लम एंड मूडनेस जब ये सब मिल जाते हैं सो दे ऑल लीड टू वेट गेन सो ऑफ कोर्स मीनोपोज में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं और बाकी ये सारे फैक्टर्स मिलके भी आपका वेट गेन करते हैं इट्स नॉट लाइक कि आप कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह डिसाइड करते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है नाउ रिमेमर माय फ्रेंड्स थ्री थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ नंबर वन जब भी ऐसा हो रहा है किसी मेडिसिन की वजह से तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए इमिडिएटली या किसी डायटिशियन से बात कीजिए ऐसा नहीं करना कि खुद ही कोई मेडिसिन स्टार्ट कर दी या खुद ही कोई मेडिसिन बंद कर दी सेकेंड थिंग डोंट कंपेयर विद सम मेडिसिन रिएक्शन कि उसको तो ये हो रहा है मेरे को भी ऐसे ही होगा कोई दवाई हो सकता है जिसकी वजह से किसी और का वेट बढ़ रहा है पर आपका वेट ना बढ़े हो सकता है किसी का वेट कम हो रहा है पर आपका वेट बढ़ जाए थर्ड थिंग किसी भी दवाई की वजह से वाटर रिटेंशन होता है सो रिमेंबर दैट दिस इज टेम्परेरी दिस इज नॉट परमानेंट वाटर रिटेंशन परमानेंट नहीं रहता आप थोड़ा टाइम दीजिए उसको टेक डायोरेटिक्स डायोरेटिक मेडिसिन आती हैं बहुत सारे फूड्स भी ऐसे होते हैं विच आर्स डायोरेटिक टॉक टू अगेन प्रोफेशनल एंड इस चीज का वेट कीजिए कि उसके बाद आपका वेट नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा टेंशन नहीं लेनी हड़बड़ाना नहीं एकदम से और दस फोन नहीं घुमा देने कि मैं क्या करूँ मेरा वेट बढ़ रहा है और ना ही प्लीज गूगल पे जाके information random information randomly, trust talk to a professional. So here are some surprising facts which will tell you that why you are gaining weight despite of not eating much calories and despite of your regular routine. So I hope you like this video, this is an informational video and share this video with your friends, relatives, like it, thanks for watching.